नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून के नियमों में आज कुछ बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव क्या है और जो ग्राहक हैं उनको इनके क्या फायदे हैं वो जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रोहित जैन के पास। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रिया, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं और कई नई चीज़ें इसमें आई हैं जो कि कंज्यूमर्स के फ़ायदे के लिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले हमारे पास 2 साल होते थे एक कंप्लेंट डालने के लिए, अब भी नए एक्ट के मुताबिक 2 साल हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रावधान दिया गया है कि अगर डिले हो जाता है कंज्यूमर की तरफ से केस दायर करने में, तो उसमें वो एप्लीकेशन देके उस पीरियड को वेव ऑफ करवा सकता है, कंडोन करा सकता है। इसके अलावा जो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम थे उसमें अगर डिस्प्यूट की राशि अब 1 करोड़ तक की कर दी गई है कि अगर 1 करोड़ तक का कोई भी केस होगा वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में दायर किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर डिस्प्यूट की राशि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की है तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है जो उनकी पावर बनती है, और इससे ज़्यादा की अगर राशि का डिस्प्यूट है तो ये नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। इसमें एक बदलाव और आया है। जैसे आमतौर पे देखा जाता था कि केस तो कंज्यूमर के हक में हो जाता था, फैसला हो जाता था, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी थी, अपील जाती थी स्टेट कमीशन में। तो एक कंज्यूमर जिसके चाहे थोड़ी सी राशि क्या कोई डिस्प्यूट होता था, इन्वॉल्व होती थी, तो स्टेट कमीशन का उसको खर्चा अपनी जेब से करो, पहले नीचे करो, फिर स्टेट कमीशन में करो, फिर नेशनल कमीशन में करो, तो ये कंज्यूमर्स के लिए बड़ा मुश्किल काम था। अब एक नया बदलाव आया है जिसके तहत अगर कंज्यूमर के हक में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से केस हक उसके हक में हो जाता है तो ऑपोजिट पार्टी अगर स्टेट कमीशन जाती है तो 50% मुआवजे की राशि पहले वो जमा कराए और कंज्यूमर को दे, इससे कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या जो कंज्यूमर है वो किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना जो केस है वो दर्ज करवा सकता है? इसमें भी कुछ बदलाव आए हैं। पहले जहाँ पर ये केसेस ऐसी जगह पे हो सकते थे जहाँ पर कोई कॉज ऑफ एक्शन हो, यानी कि डिस्प्यूट हुआ हो, या ऑपोजिट पार्टी यानी कि जिसने सामान बेचा या सर्विस दी या उसके कोई ऑफिस होते थे, लेकिन अब नया बदलाव आया है इसके मुताबिक जहाँ कंज्यूमर खुद भी रहता है वहाँ भी अब ये केस दायर हो सकता है। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि जो ग्राहक हैं वो इस जो कानून है इसके प्रति जागरूक नहीं है, अगर आसान भाषा में उनको इसके प्रति बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, जागरूकता इस कानून के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए इस एक्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सरकार का कार्य है कि वो लोगों को सजग करे कि किस प्रकार अपने हकों के लिए कंज्यूमर, अगर कोई उसके सर्विस में नेग्लिजेंस हो, डेफिशिएंसी हो, तो उसको लेके उसके पास क्या क्या हक हैं, ये सरकार को अपने माध्यम से, विज्ञापन से और तरीकों से लोगों तक बात पहुंचाएं, ताकि इस जो एक्ट की एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो प्रॉपर रहे। सर, आप मुझे बताइए कि जो लोग इस कानून की अवहेलना करते हैं, जो इस कानून को तोड़ते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, ये कानून ही ग्राहकों को सही सामान और सर्विस दिलाने के लिए है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी प्रकार की नेग्लिजेंस अगर सर्विस में हो या कहीं कोई कमी हो, किसी प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी हो, तो उसको लेके ग्राहक बकायदा कंज्यूमर फोरम का
दरवाजा खटखटा सकता है और अपने हक की लड़ाई सस्ते तरीके से, सस्ता तरीका मैं आपको फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। इसमें ग्राहक के पास ये एक हक है कि बिना वकील के अपने केस को सिंपल एक एप्लीकेशन लगा के लड़ सकता है और अपने हक को पा सकता है। सर, इस कानून में जो विज्ञापन है उनके जो दावे होते हैं, अगर वो झूठे पाए जाते हैं तो उनके लिए भी क्या कोई कुछ बदलाव किए गए हैं या कुछ कानून के नियम आए हैं उनके लिए? देखिए, जो मिसलीडिंग विज्ञापन होते हैं उनको लेके अलग अलग कानून हैं। उसको लेके सरकार के पास भी काफ़ी पावर्स हैं कि अगर मिसलीडिंग विज्ञापन आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आपको मैंने बताया है, डेफिशिएंसी सर्विस में हो या जो चीज़ आपके पास, आपको जो चीज़ बेची है उसके ऊपर लिखी हो और वो पूरी ना हो, विज्ञापन की बात नहीं है, जो उसमें ना हो या कहीं कमी हो उसमें, उसको लेके आप इसमें दावा दायर कर सकते हैं। और आपने मुझसे अभी क्वेश्चन किया था कि अगर इसमें क्या प्रावधान है, क्या हो सकता है, इसमें कोर्ट की तरफ से, कंज्यूमर फोरम की तरफ से जो हमने चीज़ ली है या डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट कर सकते हैं, उसका फाइन लगा सकते हैं। और अगर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना ना हो उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए अलग प्रावधान है। सर, कितने मुआवजे तक का मैक्सिमम, कितने तक का मुआवजा इस कानून के तहत दिया जा सकता है? मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की, जो अब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की जगह डिस्ट्रिक्ट कमीशन बन गया है, इसमें अब इनकी पावर इस नए बदलाव से, नोटिफिकेशन से 1 करोड़ रुपए तक की हो गई है। इसी प्रकार जो स्टेट कमीशन है उसकी जो पावर्स है 1 करोड़ रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक की हो गई है। और अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई डिस्प्यूट है तो वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो अगर हम सीधे सीधे आसान शब्दों में बात करें कि हमारा अगर किसी ग्राहक का अपना कोई डिस्प्यूट आता है ऐसा कुछ, तो 1 करोड़ रुपए तक की राशि के लिए वो जिला कंज्यूमर कमीशन का दरवाज़ा खटखटा सकता है। जी, तो ये थे हमारे साथ रोहित जैन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमें बताया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून के नए नियम आए हैं उनमें ग्राहकों को क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में उन्होंने हमें जागरूक किया और आपको भी, जितने भी ग्राहक हैं उनको जागरूक किया। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए और बने रहिए हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।